हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग MSQ व्लॉग। सो गाइज, एक बार फिर आज अगवान गोट फार्म पर हम लोग आए हैं। माशाल्लाह आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तो आज वीडियो अच्छी बनेगी, ज़्यादा बनेगी इंशाल्लाह। तो हमारे साथ है अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम समीर भाई, क्या बात है अशरफ भाई? आज लग रहा मौसम, अरे मौसम एकदम बहुत अच्छा है, आज खुल गया, लेकिन एक महीने बाद खुला है, धूप निकली है और वापस अगेन वैसे ही गर्मी हो रही है। गर्म तो फिर चालू हो गया, लेकिन इंसान है ना, इंसान ठंडी कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता है यार। सही है। तो अशरफ भाई, आज वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है हमारा? अपने पास एक लॉट आया था बच्चों का, बकरियों का, तो माशाल्लाह वो तो सोल्ड आउट हो गया है। मैं यहाँ से दिखाऊँ, वैसा झलक दिखा देता हूँ मैं। डायरेक्ट सौदा हुआ हो, और इंशाल्लाह अभी थोड़े टाइम में ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा यहाँ से। लेकिन एक फीमेल का लॉट है पूरा, यहाँ से निकलेंगे ठीक है। तो अभी चारा पानी होएगा, फिर ये निकल जाएंगे। लेकिन लोगों को हाँ, बकरों की हंटिंग बहुत चली है अशरफ भाई। हाँ, तो बकरों के बारे में क्या ख्याल है अपने? समीर भाई लगे हुए ही है। हाँ हाँ, लेकिन अपने रेट का और अपने कस्टमरों के रेट का और जो हिसाब की क्वालिटी अच्छी है, वो हिसाब का माल नहीं मिल रहा है ढंग का। लगे ही है। हाँ, जैसे हाथ में आएगा देर नहीं करेंगे अपन, इंशाल्लाह जल्द से जल्द लोगों तक अपन लेके आएंगे। तब तक अपने पास एक चार बकरे हैं, दो अंडू हैं और दो खस्सी है। लाओ आने दो, माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी में है। रवाबदार मालवा जिसको बोलते है कि नहीं, मालवा बहुत टाइम बाद देखने को मिला और बहुत अच्छी क्वालिटी में देखने को मिला, माशाल्लाह बेहतरीन। अशरफ भाई क्या डिटेल पर है ये बच्चा? ये अभी छठा दांत फ्रेश किया है। हाँ हाँ बेहतरीन। 65 केजी पे होगा ये। हाँ हाँ, और एकदम आप देख लो उसकी चमक, उसके पैर, मालवा बोलते हैं जिसको, बेहतरीन क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, माशाल्लाह। और वेट वगैरह किया अपन ने इसका बताया? तो 65 किलो के लगभग है। हाँ हाँ, 65 किलो के लगभग का वेट है, 60 प्लस का है। और प्योर प्योरिटी में मालवा बोलेंगे इसको अशरफ भाई? प्योर क्वालिटी में नहीं, एकदम एक्सट्रीम क्वालिटी बोल सकते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह कलर का राजा है यार। मालवा में तो अपन उस्ताद है, बड़े दूसरी नस्लों की तो नहीं बोल सकता मैं। हाँ हाँ, लेकिन मालवा में तो अपने को कोई ऐसा नहीं है कि अपने को जानकारी नहीं है, मालवा की अपने को 100% जानकारी है। बहुत अच्छे उसके सिक्के, उसका रुबाब, उसके कान, एकदम मैंने कोई चीज की उसमें कमी नहीं है। सही है, बहुत अच्छे। प्राइस क्या है इसके अशरफ भाई? प्राइस एक काम करते, रुको, ये दोनों बकरों का एंड में बताएंगे डिटेल के साथ, मतलब इसके भी डिटेल दे देते नहीं, फिर बता देते हैं, बताएंगे। हाँ, लोगों को ये ना लगे कि हमको रुका के रखा। अच्छा चलो, समझ में आया पहला बकरा, प्राइस समझ में आया, कॉल आ जाएगा। सही है। और आपके वीडियो से इतने कॉल आ जाते हैं, एक बकरे के 8-8, 10-10 ग्राहक हो जाते हैं, तो मुश्किल हो जाती है। तो इसको प्राइस बता के इसको फ्री कर दो। ये इसका प्राइस जो रहेगा ना, 42,000 रुपए, माशाल्लाह। कोई बोलेगा कि मालवा है इतना महंगा क्यों, तो जो जानता है वो लेगा, जो क्वालिटी का कदरदान है वो समझेगा, और उसी का फोन इंशाल्लाह सबसे पहले आएगा। पहले और बकरा जहाँ तक मेरी वो है, ये बकरा पहले बिकेगा इंशाल्लाह। अब ये कोटा है। हाँ हाँ, ये समझो अभी न्यू एंट्री है, अभी जस्ट आया, ये जस्ट आया है, दो दिन हुआ है, ज्यादा दिन। हाँ, बहुत अच्छे। लेकिन इसको साइन में 2 दिन रखने के बाद में फिर इधर लाया हूँ। अभी 2 दांत का बच्चा है, 55 केजी पे होगा, पेट इसका खाली है इसलिए थोड़ा सा खांचा दिख रहा है। उसको ये ना सोचे कि बकरे को ऐसा रखे, एकदम फिट एंड फाइन है। कोई पलाई पे रखना चाहे तो भी रख सकता है, 3,000 रुपया पलाई है इसकी भी। हाँ हाँ, और वो मालवे की भी, और इसकी देखिये चाल देखिये, इसकी 36 की हाइट है, और 2 दांत पे अभी खुलेगा भी और हाइट भी बढ़ाएगा। कानों की लेंथ 16-17 इंच की है, माशाल्लाह रुबाबदार बकरा, रुबाबदार बच्चा है, बहुत अच्छा। उसको भी तो एक कोटा है मैदान में और एक मालवा है। हाँ, अच्छा माशाल्लाह, दोनों भयंकर एकदम दोनों। लेकिन मेरे नजर में सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव होती है ना अशरफ भाई, मालवा बहुत बेकार होते हैं ये बकरे, बहुत बेकार। ये देखे, और अशरफ भाई इसका रेट क्या है? ये अपन फाइनल 25,000 रुपया इसका, 25,000 रुपया कुछ नेगोशिएट, फाइनल रेट दे रहे आज अपन एकदम। क्या दो बकरे है भाई, हाँ हाँ, और क्या इसमें बार्गेनिंग करेगी? अच्छा, बहुत हल्का फुल्का कर देगी, मान सम्मान रख लेगी, बस बस बस।
कस्टमर अपने नाराज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 25,000 रुपए इसके कोट कर रहे हैं। दो दांत का बच्चा है, 50 किलो ऊपर है, 50 किलो पार है, लगभग 54 केजी पे है। 54 केजी पे और मालवा की लगभग 65 है, एक आध दो किलो अपन कम पकड़ के चलो। सही है, ये देखिए माशाल्लाह उसके 42,000 कोट कर रहे हैं। 42,000 और ये दो दांत पे 25,000 रुपए। ठीक है, और मालवा की हाइट देखो ना समीर भाई, ऑलमोस्ट दोनों की हाइट सेम ही है, इसकी हाइट है इसकी। हाइट और खोलेगा अशरफ भाई? ये अभी तो छह दांत पे, छह दांत पर खोल गया, एक आध इंच तो नहीं तो मुश्किल है, मुश्किल है ना। बाकी पेटी भरेगा, गोल हो जाए, गोल हो जाएगा उसका कलर है वो हिसाब का, इंशाल्लाह गुलाब जामुन बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो ये दो ही बकरे इस वीडियो में दिखाएंगे, इसके और दो खस्सी भी है वो हाँ। यही वीडियो में दिखा देंगे। ठीक है, तो ले आओ ना उसको भी, ये दोनों का। सो गाइज अभी जो दो बकरे हम लोग दिखाने वाले, इनका वेट दिखा देते हैं। 56 55 है लगभग, 56 ही आप पकड़े। ठीक है, ये एक बकरा है, एक वो बकरा भी हम लोग आपको वेट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये बर्बरी किसका है? ये तो पलाई का है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज है, अरे वाह बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। भाई समीर भाई इसकी डिटेल दे देता हूँ मैं पहले। हाँ जाओ दादा, उसको पकड़ के रखो। दो दांत पे, दो दांत माशाल्लाह, दो दांत, हाँ 6 किलो वजन, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। जिस किसी भी भाई को चाहिए प्राइस 450 रुपए किलो। बकरा बाहर निकालो ना उसका फोटो लेने का, 450 रुपए किलो, बेहतरीन माशाल्लाह। ये गलती से बच गया है, गलती से। गलती से कैसे बच गया अशरफ भाई? ये असल में हुआ ऐसा था, ये इसी कलर के 5-6 बकरे थे, तो अपने को लगा ये भी बिका हुआ है, और गले के जो पट्टा था थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक हो गई, तो ये लास्ट तक रह गया। फिर भी मैंने ईद के बाद थोड़ा एक 15 दिन इंतजार किया, फिर देखते है इसके ओनर आते हैं या नहीं आते हैं, बिका नहीं बिका, तब कंफर्म हो गया कि ये बचा हुआ बकरा है। इसको ओनर का भी कॉल नहीं आया? नहीं, नया नया बिका ही नहीं है समझो। अच्छा ऐसा, 5 बकरे थे उसी में कंफ्यूजन था, उसको लाओ तो बेटा बाहर। इसका क्या वेट है? इसका क्या वजन है? ये 53 किलो का है समीर भाई। हाँ 53। हाँ हाँ, ये भी दो दांत का बच्चा है माशाल्लाह। इसका भी दांत दिखा देते हैं। नहीं चौथा कर लिया, नहीं किया कर लिया भाई, देखो ना चौथा क्या मतलब, छठा बारी के नहीं भाई, चार किया है लेकिन कंफर्म अभी कर ही रहा है ना। हाँ चौथा कर रहा है। ठीक है दादा सामने पकड़ो तो, 53 केजी का है, हाँ हाँ बकरा अच्छा है, किसी को चाहिए 450 रुपए पर केजी, 450 रुपए पर केजी। ठीक है बहुत अच्छे, थोड़ा सा बकरे को खोलो ना अशरफ भाई, थोड़ा सुकड़ के खड़ा हो गया ये, बस 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 एक मिनट, थोड़ा और खोलो ना, थोड़ा सुकड़ गया ये, थोड़ा डर रहा है, इसके जोड़ीदार सब अंदर है ना। अच्छा ठीक है एक सेकेंड, ना थोड़ा फेस मेरी तरफ करो, बस बस ठीक है। 53 केजी का है, चार दांत, 400 रुपए किलो, 450 रुपए किलो, समझो फ्रेश। ये वाला 50 पे 56 केजी का, हाँ 56 केजी, दो दांत और 450 रुपए किलो माशाल्लाह। ये भी 450, 450 रुपए किलो। ठीक है सो नंबर स्क्रीन के ऊपर मैं देता हूँ, वीडियो बहुत सारी बनाने की है तो ये वीडियो क्लोज करते हैं। अशरफ भाई का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फार्म का लोकेशन, 450 रुपए पर केजी। असल में टोकन टोकन बहुत चल रहा है। नहीं टोकन का वही तो मसला चल रहा है ना समीर भाई, 25-30 हजार का बकरा लेने के बाद 5 हजार का टोकन, 2 हजार का टोकन, उसमें अपने पैसा पूरे फंस जा रहे। तो मैं तो इसमें क्या है, कोई भी अगर बकरे की डील करता है पूरा पेमेंट वजन होगा, वो वजन से आप पूरा पैसा दे दो। हाँ मैं अभी टोकन डालता हूँ 2 हजार, फिर मैं 5 दिन बाद आऊंगा तो मैं पेमेंट करूंगा, तो वो मत खेलो भाई, मतलब नहीं है समीर भाई, आगे अपने को भी पैसा रोलिंग करना रहता है। अभी ये जो पैसे आ रहे हैं ना वही पैसे का दूसरा माल ला रहे। हाँ तो जब मेरे पैसे अटक जाएंगे तो मैं स्लो हो जाऊंगा, स्लो हो जाएंगे सही। फिर लोग बोलेंगे भाई कमेंट करता है वीडियो में बोलता है लेकिन बकरे ला नहीं रहा, ला नहीं रहा। तो इसके पहले जो लॉट बिका उसके भी कम से कम 70,000 रुपए पड़े अभी। हाँ हाँ हाँ, इसके पहले उसके पहले जो बकरियां भी की उसके भी पैसे अभी बाकी पड़े हैं। अभी ये 4 बकरे और है समझो, इनके अगर तो, पैसे फटाफट आएंगे ना तो हाँ, अपने रोलिंग तो में काम आएंगे, रोलिंग में काम आएगा और कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं, काम कर पाएंगे सही है। तो गाइज ये वीडियो क्लोज करते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर मैं अशरफ भाई का दे दूंगा, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो यहाँ पर आए देखे पसंद करे फिर सौदा करे। ठीक है सो गाइज मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।